हेलो फ्रेंड्स, इंडियन फूड्स विद प्रीति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू रेसिपी। आज हम बनाएंगे आलू के पराठे। आलू के पराठे तो मोस्टली हम सभी बनाते हैं, लेकिन आप अगर इस तरीके से आलू के पराठे बनाएंगे तो और टेस्टी बनेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम बनाना शुरू करते हैं। अब पराठे बनाने के लिए हमने 5 आलू लिए हैं, मीडियम साइज के बॉइल करे हुए, और एक ये अनियन ली है। एक अनियन है ये, मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है। और 2 हरी मिर्च ली है, इनको भी बारीक बारीक मैंने काट लिया है। और ये बाउल है, इस ये भर के मैंने 2 बाउल भर के आटा लिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम अपना पराठे बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम अपना आटा ऐड करेंगे। हमने इसमें 1 बाउल आटा ऐड कर लिया है। अभी हम इसके अंदर 1 बाउल आटा और ऐड करेंगे। हम अपने आटे में ऐड करेंगे 1/2 चम्मच से थोड़ा कम नमक, और ये हमने ली है 1/4 स्पून अजवाइन। इसको हाथ से क्रश करके अपने आटे में डाल देंगे। अब हम अपने आटे का डो लगाएंगे। आटे का डो लगाने के लिए यहाँ पे मैंने एक छोटी लुटिया है ये पानी लिया है। इसको हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए अपना आटा का डो लगाएंगे। आटा ना हमारा ज्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही बहुत सॉफ्ट। हम अपने डो को ऐसे हाथ से मलते हुए लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, हमारा जो आटा है डो फॉर्म में आ गया है। इसको ऐसे हाथ से अच्छे से मलते हुए इसको मलेंगे 5 मिनट तक, पानी लगकर तैयार हो गया। यहाँ पे हमने हाथ पे थोड़ा सा घी लिया था और इसको इस तरीके से अच्छे से रगड़ लिया है हमने घी को इसमें लगा के। हमारा आटा एकदम सॉफ्ट फॉर्म में आ गया है, सॉफ्ट डो फॉर्म में। ये देखिए, हमारा आटा एकदम रेडी। अब हम अपने डो को एक नैपकिन लेंगे, किचन नैपकिन, और इससे ढककर 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अब हम लेंगे आलू, आलू का मसाला बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 5 आलू लिया है, इनको हाथ से इस तरीके से मैश कर लेंगे एकदम बारीक बारीक। हमने अपने आलू अच्छे से मैश कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये अनियन, मैंने जो अनियन काट के रखा था इसको, हरी मिर्ची चॉप किया हुआ, 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला। अब हम इसमें 1/4 स्पून रेड मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। इसमें मिर्ची कम ही ऐड करेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्चियां भी ऐड करी। 1 चम्मच ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1 पिंच हींग, 1/4 अजवाइन, इसको हम क्रश करके ऐड कर देंगे, 1/4 स्पून जीरा पाउडर, 1/4 स्पून गरम मसाला, 1/2 स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक या फिर टेस्ट के अनुसार, 1 स्पून ग्रीन कोरिएंडर बारीक बारीक चॉप किया हुआ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा जो मसाला है बनकर एकदम रेडी हो गया है, ये देखिए। अब हम अपना डो चेक करेंगे। हमारा जो डो है एकदम परफेक्ट है पराठे बनाने के लिए। अब हम इसको एक बार और मल लेंगे अच्छे से। हम अपने डो के इस तरीके से 2 पार्ट कर लेंगे और एक को इस तरीके से लंबा करके इसकी लोइयां तोड़ेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम लोई बना लेंगे। ना बहुत ज़्यादा मोटी लोई बनाएंगे और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। आलू का पराठा थोड़ा थिक रहता है, तो ठीक है, हम पराठा बनाना शुरू करेंगे। इस तरीके से हमने अपने सारे डो की लोइयां तोड़ ली हैं। अब ऐसे एक डो लेंगे और उसको इस तरीके से गोल करेंगे और ऐसे दबा देंगे। इस तरीके से हम अपनी सारी लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हमने अपने सारे आटे के लोइयां बनाकर तैयार करी हैं। टोटल आटे से बनी है हमारी 12 लोइयां। अब हम अपना पराठे बनाएंगे। यहाँ पर हम एक चकला लेंगे और अपना बेलन लेंगे, और चकले के नीचे हम एक किचन नैपकिन लेंगे, उसको बिछा लेंगे ताकि जो हमारा सूखा आटा गिरेगा वो इस पर गिरेगा और हमारा प्लेटफॉर्म ज्यादा गंदा नहीं होगा। हम अपने एक लोई लेंगे और सूखे आटे में उसको इस तरीके से लपेट लेंगे। लपेटने के बाद हम उसे इस तरीके से अंगूठे अंदर करते हुए उसको एक गोल उसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, हमने इस तरीके से अपनी लोई बना ली है। और अब हम इसमें इस तरीके से करके, और ये 1 चम्मच अपने मसाला लेंगे, ये देखिए, और इसको इसके अंदर रखेंगे और थोड़ा सा रखेंगे, और ऐसे करके इसको ऐसे बीच में दबाएंगे। और ऐसे दबाते हुए ये जो साइड से आटा है इसको ऊपर उठा लेंगे और ऐसे कर करके इसको एक इस तरीके से जो हमारी लोई बन गई है ये देखिए इस फॉर्म में बन जाएगी। और ये जो है इसको ऐसे करके हम नीचे दबा देंगे। ये इस तरीके से हमारे फ्लिंग होने के बाद हम फिर से सूखा आटा लेंगे और इसको अपने लोई को इसमें आटे में अच्छे से डुबो लेंगे। और फिर हम इस तरीके से लोई पकड़ेंगे और ऐसे गोल गोल घुमाते हुए अपने
पराठे को बड़ा करेंगे, अपने चकले पे आटा लगा लेंगे और इसको लोई अपने जो पराठा है इसको ऐसे रखेंगे और जो हमारा बेलन है ऐसे पकड़ेंगे, इसको बीच से ज्यादा पुष्ट नहीं करेंगे हम, इसको धीरे धीरे बेलते हुए इस तरीके से बेलेंगे ताकि जो हमारी इसमें स्टफिंग है वो बाहर ना निकले, और उठा उठा के इसको बेलेंगे। ये देखिए हमारा जो पराठा है बिल्कुल एकदम रेडी है। ये पराठे में थोड़ी थिकनेस होनी चाहिए, आलू के पराठे बहुत पतले नहीं होते, तो हमने एकदम पराठा परफेक्टली बेल लिया है। और ये देखिए इसमें से कहीं से भी जो हमारा मसाला है वो लीकेज नहीं हुआ है। ये हमारा पराठा बेल गया है। इस तरीके से हमने दो पराठे बना लिए हैं। अब हम इसे तवे पर डालेंगे, अपने पराठे को ऐसे उठाएंगे इस तरीके से और इसको तवे पर डालेंगे। यहाँ पर अपना पराठा बेल रहे थे, मैंने अपना तवा गैस पर स्लो गैस पर करके रख दिया था। हमारा तवा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इस पे ऐड करेंगे अपना पराठा और हम इसे मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। कलर ब्राउनिश होने लगा है, अब हम एक पलटा लेंगे और इसकी हेल्प से इस तरीके से अपने पराठे को पलट देंगे। ये देखिए हमारा पराठा इधर से कितने अच्छे से सिका है, ये देखिए। अब हम इसको भी इधर से सिकने देंगे एक मिनट तक। ये देखिए हमारा पराठा हो चुका है, अब हम इसे दूसरी तरफ से भी पलटेंगे। देखिए इधर से भी कितने अच्छे से सिक चुका है। अब हम इस पे ऐड करेंगे ऑयल, मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज कर रही हूँ। आप यहाँ पे घी या मस्टर्ड ऑयल कोई भी ऑयल का यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ। और अपने पराठे पे अच्छे से रिफाइंड लगा देंगे और इसको दबाते हुए सेकेंगे ताकि हमारा पराठा क्रिस्पी हो जाए। पलटते हुए इसको सेकेंगे। ये देखिए हमारे पराठे कितने फूले फूले बन रहे हैं। इस तरीके से अपने पराठे को किनारे पे से दबाएंगे ताकि इसके किनारे भी अच्छे से सिक जाएं और ब्राउनिश शेड आ जाए। फिर इसको हम पलटे की हेल्प से इसको फिर से पलट देंगे। अब हम ये पलटे की हेल्प से अपना पराठा एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स प्लेट में फॉइल पेपर लगाया, आप बटर पेपर या किचन नैपकिन भी यूज कर सकते। अब हम इस पे अपना दूसरा पराठा इसी तरीके से बना लेंगे। ये देखिए हमारे पराठे एकदम फूले फूले बन रहे हैं। ये हमारा पराठा ये भी बन के रेडी। यहाँ पर हम तीन तरह के पराठे बनाने सिखाएंगे आपको एक ही डो से। ये हमने फिर से एक लोई ली है, इसको आटे में इस अच्छे से डुबो लिया है। फिर हम इसको ऐसे करेंगे, थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे। अब हम इसे अपने चकले पे रखेंगे। अब हम इसकी पूरी एक नॉर्मल रोटी बना लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर रोटी बनाकर रेडी कर ली है। अब हम तेल लेंगे और इसको अपने पराठे रोटी पर ऐसे लगा देंगे चारों तरफ। ये हमने मसाला लिया है एक रोटी की लोई के बराबर, हम इसको इस तरीके से ट्रायंगल शेप देते हुए इसको थोड़ा बनाएंगे बड़ा, इसको ट्रायंगल शेप देंगे। ये देखिए यहाँ पर देखिए हमने जो आलू की मसाला लिया था उसको ट्रायंगल शेप में बना लिया और इसे हम समोसे टाइप बनाएंगे बनाएंगे। अपना जो हमने रोटी बनाई थी इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इधर से ऐसे फोल्ड करेंगे और नीचे से लेंगे इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए हमारी समोसा शेप बनकर रेडी है। ये जो यहाँ पर हमारे कोने हैं इसको ऐसे करेंगे और अच्छे से अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे तीनों तरफ से, ताकि जो हमारा पराठा है वो अंदर से मसाला इसमें से लीकेज ना हो। अब हम अपने जो पराठे का जो हमारा डो है इसको उठाएंगे और जो हमारा सूखा आटा है उसमें अच्छे से लपेटेंगे। और फिर हम अपना चकला बेलन लेंगे और इसकी हेल्प से इसको बेलेंगे किनारे को ऐसे कर करके, ताकि जो हमारा पराठा है वो ट्रायंगल शेप में बन जाए। इसको किनारे पे धीरे धीरे ऐसे चलाते हुए बेलन बेलेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो अंदर से नहीं निकले। ये देखिए हमारा ट्रायंगल शेप पराठा बनकर रेडी है। अब हम इसे इस तरीके से हाथ पर उठाएंगे और तवे पर डालेंगे। इस तरीके से हम अपने सारे पराठे ये देखिए बनाकर तैयार कर लेंगे। ये यहाँ से हम इसको नीचे से भी ऐसे फोल्ड कर देंगे और जो ये हमारे किनारे हैं इनको, ये देखिए हमारे पराठे सब बन चुके हैं, एकदम रेडी है ट्रायंगल शेप पराठा। ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। अब हम अपना पराठा उठाएंगे और तवे पर डाल देंगे। तवे पर डाल दिया है, अब इसको हम मिनिमम एक मिनट के लिए सिकने देंगे जब तक ये ऊपर से हल्का ब्राउनिश नहीं हो जाता। हमारा पराठा कुक हो चुका है दोनों साइड से, हम इस पे अब ऑयल लगाएंगे। अब हम इसको पलटे की हेल्प से पलट देंगे और इसे ऐसे दबाते हुए सेकेंगे। इधर भी हम ऑयल लगाएंगे। यहाँ पर जो हमारे पराठे हैं बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, एकदम अच्छे से ये ब्राउन हो गए हैं।
इसको पलटे की हेल्प से निकाल लेंगे तवे पर से। इस तरीके से हमने अपने और सारे पराठे बनाकर रेडी कर लिए। यहाँ पर हमने दो तरह के पराठे बना लिए हैं, हम एक तरह का पराठा और बनाएंगे। ये लोई लेंगे और इसको आटे में अच्छे से ऐसे लपेट लेंगे दबाते हुए, और इसको ऐसे गोल गोल कर लेंगे। अब हमने अपनी लोई ये चकले पे रख लिए, इसको ऐसे दबा दबा के बड़ा करेंगे थोड़ा, और ये बेलन से इसको एक गोल रोटी, बड़ी गोल रोटी बेल लेंगे इसकी। ये देखिए हमारी बड़ी रोटी बनकर एकदम तैयार है। ये हमने काफी बड़ी रोटी बनाई है। ये हम अपनी स्टफिंग लेंगे और इस तरीके से इस पे रख देंगे। रखकर इसको हाथ की हेल्प से ऐसे चारों तरफ फैला लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने अपनी स्टफिंग चारों तरफ फैला ली है। यहाँ पर थोड़े किनारे इस तरीके से आप खाली छोड़ दें और इसको ऐसे उठाएंगे इस तरीके से, और इसको पतला पतला रोल करेंगे इस तरीके से गोल घुमाते हुए। ऐसे इसको एक रोल फॉर्म में बना लेंगे और ऐसे इसको थोड़ा लंबा कर लेंगे। फिर यहाँ इस किनारे से पकड़ेंगे और इसको ऐसे मोड़ते हुए इस तरीके से मोड़ते हुए, ऐसे मोड़ने के बाद हमारा जो ये पार्ट है इसको ऐसे करके और यहाँ ऊपर लाके ऐसे दबा देंगे, नीचे प्रेस कर देंगे ऐसे। फिर हम सूखा आटा लेंगे, ये आटा लेंगे और इसको अच्छे से ऐसे हथेली की हेल्प से ऐसे दबा लेंगे, ऐसे इस तरीके से दबा के थोड़ा बड़ा कर लेंगे। फिर से हम हथेली की हेल्प से इसको चकले पर रखकर थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इसको बड़े ही सावधानी से बेलें क्योंकि साइड से इसकी फिलिंग निकल जाती है। तो हम अपने चकले बेलन से इसको इस तरीके से बहुत ही धीरे धीरे किनारे किनारे बेलेंगे। इसको ऐसे उठा के पलटते हुए बेलेंगे ताकि हमारी स्टफिंग ना निकले। हमारा पराठा बिल्कुल तैयार है। जैसे कि आप देख रहे हैं कहीं कहीं से हमारे इस तरीके से किनारे जो हैं इसके फट गए हैं, तो हम इसको ऐसे फिंगर की हेल्प से ऐसे दबाते हुए इसको अंदर कर देंगे ये इस तरीके से। आप चाहे तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं, लेकिन आप मतलब ऐसे कर देंगे तो पराठा जो है हमारा एकदम गोल और फटा हुआ नजर नहीं आएगा। पराठा तवे पे डाल दिया। ये हमारा पराठा यहाँ पर अच्छे से सिक चुका है। इसको पलट पलट के और दबा दबा के सेक लेंगे। इस टाइप से अगर हम पराठा बनाते हैं बहुत ही खस्ता बनता है। हमारा पराठा बन चुका है, अब हम फ्लेम बंद करेंगे और इन्हें सर्व करेंगे। यहाँ पर हमारे आलू के पराठे बनकर रेडी हैं। हमने यहाँ पर तीन तरह के आलू के पराठे बनाए हैं एक ही डो से। ये देखिए ये सिंपल पराठे हैं जो हम बनाते हैं, और ये हमने ट्रायंगल शेप में बनाए हैं, और ये एकदम ये देखिए खस्ता पराठा, ये देखिए ये एकदम खस्ता पराठा हमने यहाँ पर बनाए हैं। पराठे आप चटनी, दही या फिर छुकी हुई मिर्च प्याज के साथ किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिले। थैंक यू। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।